देखलो नानोनी राखियो करे प्रत सुमुआर गोदी के खेलो नानों ने राखियो मैया गोदी के खेलो नानों ने राखियो मैया गोदी के खेलो नानों ने राखियो हमारे बीच श्रीमान विधायक जी लंबड़दार आप सबकी सेवा में पधारे हैं। भगवान की बड़ी असीम कृपा है कि सभी लोगों ने उपस्थिति दी और आज विधायक जी पधार गए। जय जय सीताराम, जय श्री राम, जय श्री राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद भागवत महापुराण की जय। सीताराम जय हो माई की। ए भवानी माई गोदी के खेलो नानो ने राखियो पूरण करियो माई
सा पूरण करियो हारे झोली पसा तोरे शरण सिंह पाहेनी हो रे शरण सिंह पाहेनी हो मैया तोरे शरण सिंह चरणन चित लाए तोरे शरण सिंह पाहिनी हो मैया तोरे शरण सिंह पाहिनी हो मैया तोरे शरण सिंह पाहिनी हो आ जइयो दुर्गा देवाले को एक ही प्रार्थना है हे माता भगवती आज 15-17 वर्ष हो रहे हैं आ जइयो दुर्गा देवाले को हम नरियल धरे जलावे को हम नहीं लाए पान सुपारी हम नहीं लाए ताली सुनाई नहीं दे रहे ताली सुनाई नहीं दे रही हो ताली नहीं बजे तो मतलब का निकलो अंतिम चरण है कथा को विश्राम ले गई अब आपको भगत सुननी है तो फिर बढ़िया माई का जयकारा हो और हर एक जीव हर एक के हृदय में माई की एक छवि दिखाई देना चाहिए पान सुपारी हम नहीं लाए पान सुपारी हम नहीं लाए हम लाए चुनरिया चढ़ावे चढ़ावे हो तुम आ जाइयो दुर्गा देवाले हो हम लाए चुनरिया चढ़ावे हो तुम आ जाइयो दुर्गा देवाले हो लाए चुनरिया चढ़ावे हो आ जाइयो दुर्गा देवाले हो बोलो दुर्गा माई की हाथ उठा करके बोलेगा सो निहार होगा बोल साजे दरबार की पान सुपारी हम नहीं लाए पान सुपारी हम नहीं लाए हम लाए न दुनिया चढ़ावे हो चढ़ावे को तुम्हें आ जाइयो दुर्गा देवाले सबकी इच्छा है मंदिर की और भगवान की विधायक की बड़ी कृपा हुई यहाँ राधा रानी भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनना है जिसमें से सभी लोगों ने पूरी कॉलोनी ने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने चंदा ना दिया हो अब आपसे तो हम गड़र में आप लेट हो गए थे हम ही कथा कर रहे थे पर पिताजी से हम बहुत अच्छे से परिचित थे आपके और पिताजी हमारे स्थान पर भी गए हैं पान के बड़े शौकीन थे उनकी एक अनोखी आदत थी पान
परंतु भगवान की कृपा से आपसे भी भेंट हो गई और आपसे पहले हमारे पास लिखित आ गई थी। अब आप तो लंबरदार हैं परंतु हमारे इस समय वर्तमान में राजा हो और राजा पूज्य होता है, जैसे गुरु पूज्य होता है वैसे राजा पूज्य होता है। आज आप यहाँ के मालिक हो इस क्षेत्र के, इसीलिए हम मालिक की हैसियत से आपसे इन लोगों की तरफ से भी प्रार्थना करते हैं और हम भी आपसे एक याचना कर रहे हैं कि जब एक गरीब आदमी बीड़ी बनाने वाला 1100 रुपया दे सकता है, 5100 रुपया दे सकता है, तो हम राजा से भी प्रार्थना करते हैं कि कम से कम और ज्यादा से ज्यादा राशि आप मंदिर को प्रदान करना। क्योंकि मैं जानता हूं विधायक निधि में पैसा सिस्टम तो नहीं है, परंतु चाहे सामुदायिक भवन का नाम ले लेना, चाहे रोड का नाम ले लेना, परंतु राशि हम लोगों को नगद की आवश्यकता है ताकि ये मंदिर पूर्णता से भव्य रूप में बने। और माँ साहब की तरफ से भी बहुत बड़ा सहयोग है, खोला नहीं है उनने, क्योंकि अब माँ साहब ही तो आए, वैसे माँ साहब तो आप भी हो, शिक्षक हैं आप, गुरु हैं, तो मूर्ति श्रीकांत की तरफ से हो गया सब, बहुत कुछ माता ने दिया है। करीब दो ट्रक रेता भी हो गई है, गिट्टी और बहुत सारा सहयोग कोकरेले जी भी ने कहा है और जनता ने अभी अभी आप स्टैंड ही तक होंगे, सबका दान मिल गया है। तो मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है विधायक जी कि इन बच्चों की, इन आदमों की आप पूरी तरह सहयोग करना। आने वाले कल में जन बच्चों से ये आपका सहयोग करेंगे, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें आप। और यदि कोई भी गलती या मिस्टेक पाई गई तो ध्यान रखना तुम हमारे हो और हम आपके हैं। 17 साल हो गए हमें तुमसे, जैसे तन मन धन से ये सेवा करेंगे उसी प्रकार तन मन और धन के साथ में आपको विधायक जी के साथ में रहना है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आइए मड़े बनवा है ओ कलश धरवा है सो सब पे कृपा बनाए रहियो बस सदा सुहागन करे रहियो सब पे कृपा बनाए रहियो सदा सुहागन बनाए रहियो। एक साथ हाथ ऊपर करके ताली के साथ बनवा है कलश धरवा है मण बनवा है कलश धरवा है मण बनवा है कलश धरवा है बस सब पे कृपा करे रहियो तुम सदा सुहागन बनाए रहियो दरबार की। जोर से लगाएंगे धर्म की। आवाज सही नहीं आ रही, अच्छी बात नहीं है जी। हम 5 घंटे हो गए हमको,